अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मौज़म। हेडलाइंस आपने देखी, शुरू करते हैं बुशरा बीबी के बयान से। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए, वापसी पर जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी ने बड़ा दावा कर दिया। बोली, बाजवा को कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं। इसके बाद से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया, 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ, ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी बाद में। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इख्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पाँव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सज़ा दी जा रही है। 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी का बयान तो आपने सुना। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई।